हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन रेडियो प्लेटफॉर्म है जो आपको एजुकेशनल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, लॉ वीडियो, टॉपिक स्टॉक, सक्सेस स्टोरी और बहुत सारे काउंसलिंग भी वीडियो भी हमारे आने शुरू हो गए हैं। बहुत ज्यादा डिमांडिंग था एक टॉपिक, आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उससे पहले सभी को मैं अपडेट दे दूं, एक बीएचयू पाठशाला ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और प्लीज इसको जल्दी से सब्सक्राइब करो, शेयर करो, उस घंटे के दबाओ जिससे अपडेट ना छूटने पाए। बीएचयू पाठशाला एक और चैनल यू गुरुकुल यूट्यूब पे सर्च करके जाओ, वहां पे हम लोग सेंट्रल एंड यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटीज के इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और बीएचयू पाठशाला का न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, 16 से उसकी क्लास स्टार्ट होगी 16 अक्टूबर से। जो लोग इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, अपना डिटेल सेंड कर सकते हैं, नेम, कोर्स, एड्रेस और मीडियम। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है मिशन काउंसलिंग, हमारा चल रहा है जिसमें हम लोग बीएचयू बीए स्पेशल ए वीडियो है जिसमें हम लोग बता रहे हैं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर दिस दिस दिस, ठीक है, मींस यूपीएससी टीचिंग पर्पज और वन डे एग्जाम से रिलेटेड। ये बहुत ही बेस्ट एनालिसिस होने वाला है, प्लीज अभी जस्ट इसको शेयर करो अपने एक ऐसे दोस्त को जिससे बहुत दिनों से बात नहीं हुई हो, इसी बहाने उसका भी कुछ अच्छा भला हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं क्या बात करने वाला हूं कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन वर्ड है ना, ये कहां पे सुनने को मिलता है, जब हम किसी कोर्स में इनरोलमेंट लेते हैं तो कई सारे सब्जेक्ट से कॉम्बिनेशन, मतलब ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स को कॉम्बिनेशन बोला गया है। और जब हम बीए के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो यहां पे तीन सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन बनते हैं जिसको बोला जाता है मिला के कोर सब्जेक्ट। क्या बोला जाता है? कोर सब्जेक्ट बोला जाता है दोस्तों। और मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि इसी के साथ हमको एक एडिशनल पढ़ना पड़ता है बीएचयू में जिसको लैंग्वेज सेक्शन भी बोला जाता है, लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब मैं सीधे अपने वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूं इसलिए मैं डिटेल में बात नहीं बताऊंगा। तो ये जो पहला टॉपिक आपको दिख रहा है यूपीएससी, तो ये आपके यूपीएससी स्पेशलिस्ट जो हमारे हैं मनोज सर, वो आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। बहुत जल्द उनके वीडियो आपको इसी वीडियो के बैक टू बैक वीडियो मिल जाएगा जिसमें वो यूपीएससी के बारे में पूरा अच्छे से समझाएंगे, इसलिए उनकी वीडियो जब आ रही है तो आप उसको पूरा देखिएगा। और आपको करियर काउंसलिंग के बारे में भी बताएंगे क्योंकि उनका उसमें काफी अच्छा अनुभव है। तो मैं आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन चल रहा हूं बताने की यूपीएससी पर्पस से बेस्ट कॉम्बिनेशन कैसे फॉर्म होता है, टीचिंग पर्पस से बेस्ट कॉम्बिनेशन कैसे फॉर्म होता है, और वन डे एग्जाम मतलब होता है जो स्टेट एग्जामिनेशन होते हैं जो एक दिन में ही जॉब दिलवा देता है, क्योंकि यूपीएससी तो आपको पता है कि कई दिनों तक चलने वाले एग्जाम है। और वन डे जो होता है ना, जैसे कि आपका यूपीएसआई हो गया, लेखपाल हो गया और स्टेनोग्राफर हो गया, ये सब होता है ना, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो वन डे एग्जाम्स इसको बोला जाता है। तो यूपीएससी की मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं तीन सब्जेक्ट्स पहले ही बना चुका हूं मैं यहां पे, क्योंकि हमारे पास कॉम्बिनेशन में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, तो तीन सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले कॉलम पे मैंने लिखा है फेवरेट। क्या लिखा है? कि आपका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है, ये कॉम्बिनेशन पता है ना बना बनाया आता है, आपको उस कॉम्बिनेशन को चूज करना है, इस बेसिस पे चूज करना रहेगा उसमें। और मैं कॉम्बिनेशन के वीडियोस भी ले आऊंगा, घोड़ाइएगा नहीं। तो आप अपना सबसे पहले जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाओगे उसमें एक ऐसा सब्जेक्ट रखोगे जो आपका फेवरेट हो, जैसे हिस्ट्री किसी का फेवरेट हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, साइकोलॉजी हो सकता है, फिलोसफी हो सकता है, तो इस तरीके से फेवरेट सब्जेक्ट अपना यहां पे रखोगे। उसके बाद एक ऐसा सब्जेक्ट रखोगे जो यूपीएससी के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल हो। अब ये कैसे फेवरेबल बनता है तो मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअली यूपीएससी में आप जब जाते हो तो आपको कई सारे पेपर देने होते हैं जिसको GS 1 2 3 4 ऐसे बोला जाता है, तो आपको एक ऐसे सब्जेक्ट यहां पर रखना है जो कि आपको एज अ ऑप्शनल, मनोज सर आपको समझाएंगे कि ऑप्शनल क्या होता है, जीएस क्या होता है, एज अ ऑप्शनल भी ट्रीट कर दिया जाए और आपका यूपीएससी के जीएस पेपर में भी सपोर्ट कर जाए। क्या समझ रहे हो? कि आपका ऑप्शनल, ऑप्शनल के दो पेपर होते हैं, ध्यान रखना, यूपीएससी पर्पस बता रहा हूं, मनोज सर आपको स्पेशल बताएंगे, समझ रहे हो? तो एक आपका क्या होना चाहिए यहां पे, एक आपका जीएस पेपर भी कवर हो जाए और दूसरा आपका ऑप्शनल भी कवर हो जाए। तो ऐसे सब्जेक्ट्स ये आपको मनोज सर बताएंगे और बाकी यूट्यूब पे आप दृष्टि आईएएस विकास सर को देखोगे तो वहां पे भी बात क्लियर हो जाएगी, वो बड़ा अच्छे से बात को समझा रखे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, यहां पर एक ऐसा सब्जेक्ट रखोगे जो आपके बाकी दो सब्जेक्ट के अलावा बर्डन ना फील कराए। ये नहीं कि ऐसे कॉम्बिनेशन बना लो कि सांस लेने का टाइम ही ना मिले, पूरे टाइम बुक्स में बिजी रहो, तो भाई सोसाइटी को कब देखोगे, अपने आप को कब देखोगे, घर वालों को कब देखोगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि सेल्फ रियलाइजेशन कब करोगे, बचे हुए टाइम में तो करोगे। ऐसा कॉम्बिनेशन मत फॉर्म कर दोगे, एकदम हार्डेस्ट वाले कॉम्बिनेशन चूज कर लो कि आदमी बस पढ़ता रहे, मैथमेटिक्स भी ले लो, स्टैट्स भी ले लो और उसमें एक और हार्ड सब्जेक्ट जोड़ लो, ऐसा नहीं बनाना चाहिए। हमेशा कॉम्बिनेशन ऐसा बनाओ जिससे आपको सुकून मिले, एग्जैक्टली आपको थोड़ा सा टाइम मिले खुद के लिए,
ठीक है। अब मैं टीचिंग पर्पज पे चलता हूं। टीचिंग पर्पज होता क्या है पहले मैं कंफर्म कर दूं। तो टीचिंग पर्पज है जो मेरे दोस्त ना, ये आपकी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि अभी लॉन्ग स्टडी करना चाहते हो, वो यूजी करेंगे, फिर पीजी करेंगे, फिर उसके बाद वो मास्टर हो सकता है, पीएचडी वगैरह नेट जेआरएफ में जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप टीचिंग प्रोफेशन को अपना कैरियर एज अ ट्रीट करना चाहते हो, तो आप ऐसे सब्जेक्ट्स रखोगे जो जिसमें आपका मन लगे, और मन हमारा किसमें लगता है, फेवरेट सब्जेक्ट्स में लगता है, ध्यान रखना। और दूसरी चीज यहां पे मैंने एक बात और क्लियर कर दिया कि जरूरी नहीं है कि फेवरेट सब्जेक्ट जो आपका है यूपीएससी के लिए फेवरेबल हो, ठीक है। हो सकता है अब आपका फेवरेट सब्जेक्ट स्टैट्स हो, तो स्टैट्स का यूपीएससी में कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल, अच्छा ध्यान रखिएगा कि फेवरेट सब्जेक्ट बस अपने के लिए पढ़ा जाता है, और अच्छी बात है कि भाई आपका फेवरेट सब्जेक्ट ही आपके यूपीएससी के लिए फेवरेबल होता है, और आपका बाई चांस आपका लकली फेवरेट सब्जेक्ट भी निकल जाए। अब देखो जो फेवरेट सब्जेक्ट्स होता है वो टीचिंग पर्पज से टोटली कवर किया जाता है, लेकिन बात आती है कि सर फिर सेकेंड और थर्ड में क्या रखा जाए। तो सेकेंड और थर्ड पे आप अपने हिसाब से कोई भी दो कैजुअल सब्जेक्ट्स रख लो, जिससे कि बस आपकी डिग्री आपको प्राप्त हो जाए, क्योंकि आपको बेसिकली 3 साल आपको अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स को ही लेना है एज ए ऑनर्स, वही आपका कैरियर बनाएगा, ठीक है। लेकिन ये दो सब्जेक्ट भी ऐसे रखना, क्योंकि एक टीचर बनना है, टीचर की भी एक ऐसी पर्सनालिटी होती है कि वो कभी अगर ज्योग्राफी पढ़ा रहा है तो एग्जांपल सेट कर सके हिस्ट्री का, अगर वो हिस्ट्री पढ़ा रहा है तो एक बार कम से कम ज्योग्राफी का, सोशल साइंस का एक एग्जांपल सेट कर सके, क्योंकि भाई हमें कुइयां का मेढक नहीं बनना है, ठीक है। जितना नॉलेज बढ़ा सको उतना ज्यादा अच्छा होता है। तो टीचिंग पर्पज तो मैं समझता हूँ यूपीएससी के से भी बड़े चीज होते हैं, क्योंकि टीचर तो आगे चलते हर प्रोफेशन को बनाते हैं। तो टीचिंग पर्पज पे ज्यादा मेहनत करना, और मैं उनको कैंग्रेचुलेशन बोलूंगा कि जो लोग टीचर बनना चाहते हैं, और प्लीज एक बार कॉमेंट्स करके बताइएगा कि जितने लोग यहाँ पे देख रहे हो उसमें से कौन किसका किसका एम जो है वो टीचर बनना है, क्योंकि मैंने बहुत कम रेयर केसेस में देखा है कि कोई टीचर बनना चाहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि टीचर लोग दुर्भाग्य से बन जाते हैं, मतलब जो उनको कुछ नहीं मिलता है तो टीचर के लिए अप्रोच करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप प्लीज, ऐसा कौन है जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो टीचर बनना चाहता है, ठीक है। उसके बाद में अगर वनडे एग्जाम की बात करूं, तो वनडे एग्जाम का जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना दोस्त, वो पूरा अलग है, इन सबसे एकदम अलग है, क्योंकि वनडे एग्जाम आप जैसे कि एसएससी सीजीएल देना चाहते हो, तो एसएससी सीजीएल में ज्योग्राफी भी आता है, हिस्ट्री भी आता है, पॉलिटी भी आता है, रीजनिंग भी आता है, मैथ भी आता है, इंग्लिश भी आता है। तो आपको ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं ना मेरे दोस्त, जो कि आपके आपकी स्टडी पे ज्यादा बोझ ना डाले, और आप वनडे एग्जाम की एक्स्ट्रा टाइम में क्या कर लो, प्रिपरेशन कर लो, समझ लो मेरी बात। तो यहां पे एक बात निकल के आई कि आपको ये तीनों सब्जेक्ट्स में ऐसे कॉम्बिनेशन भरने हैं जो आपको बर्डन ना फील कराए। मतलब आप सिंपली क्या रख सकते हो, एक हिस्ट्री रख लो, हिस्ट्री इसलिए इसमें ऐसे हिस्ट्री इजी नहीं है, लेकिन हिस्ट्री रखने से फायदा हो जाएगा, क्योंकि यहां के हिस्ट्री में आपको 3 पढ़ोगे, मेडिवल भी पढ़ोगे हिस्ट्री में, एंशियंट भी पढ़ोगे, और मॉडर्न भी पढ़ोगे। तो ये तीनों चीजें आपके कहीं ना कहीं वनडे एग्जाम में, खासकर यूपी गवर्नमेंट के स्टेट एग्जामिनेशन में तो बहुत पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। फिर उसके बाद आप कोई एक लैंग्वेज वगैरह भी मेंशन कर सकते हो। देखो मैं लैंग्वेज थोड़ा सा भूल रहा था, ये जो कॉलम है ये लैंग्वेज का है, ध्यान रखिएगा। मैं लैंग्वेज इसमें इसलिए नहीं कवर किया क्योंकि बीएचयू की खास बात है, वो लैंग्वेज अलग से एक्स्ट्रा पढ़वाता है, लेकिन इसमें आप लैंग्वेज रख लेना। मतलब यहां पे भी अगर आपको वनडे जाना है, तब वनडे मतलब लेखपाल ऐसे दुर्गा वगैरह बनना हो, तो आप एक हिस्ट्री रखो, बाकी एक और सब्जेक्ट अपने फेवरेट कोई सब्जेक्ट रख लो, और एक लैंग्वेज आप इसी में रख लेना। यहां पे भी लैंग्वेज पढ़ना, हिंदी इंग्लिश जो पढ़ना हो पढ़ लेना, लेकिन यहां पे भी हिंदी इंग्लिश कोई सब्जेक्ट ले लेना। उससे क्या होगा, आपका बर्डन कम हो जाएगा, ठीक है। भले दो बार एक लैंग्वेज पढ़ना होगा, लेकिन आपका बर्डन कम हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना अगर फ्रेम करते हो, ठीक है, अभी मैं एक ऐसा वीडियो लाने वाला हूं, एक ऐसा वीडियो जो कि बस बीएचयू के एडमिशन पर्पज से बनाऊंगा मैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसको चूज करने से आपका एडमिशन फिक्स हो जाता है। ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है, बहुत ही डीप एनालिसिस करोगे ना, तब वो कॉम्बिनेशन निकल के आएगा कि सर ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कि अगर आप मुझे बोल दो और मैं उसको प्रेफरेंस एंट्री में फिलअप कर दूं तो मेरा सिलेक्शन बीएचयू में 100% हो जाएगा, भले ही मेरे मार्क्स कम आए तो क्या हुआ। तो मैं ऐसे वीडियो भी लाऊंगा कि कम से कम मार्क्स लाने के बावजूद आप बीएचयू में सेलेक्ट हो जाओगे, और उसको मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं, उसको नेगेटिव पॉइंट मत लेना कि सर बस इसलिए एडमिशन करा रहे हैं कि मैं बीएचयू का स्टूडेंट हो जाऊंगा। नहीं, उसका पर्पज ये है ना मेरे दोस्त कि आप वो सब्जेक्ट्स लेके अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेना, बाकी वो उसके आड़ में, उसके बचे हुए टाइम में बीएचयू की सेंट्रल एंड साइबर लाइब्रेरी का यूज करके अपने अच्छे
तेज तर्रार दोस्तों का एक तरह से सजेस्ट उनका उनका हेल्प लेके आप अपने कैरियर को डेवलप कर सको, आप अपनी लाइफ को सेट कर सको, आप किसी अच्छी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सको, ठीक है। तो वो एक स्पेशल वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। बाकी कमिंग वीडियोज हैं मनोज सर की यूपीएससी टॉक, और प्लीज यहां पे बने रहो, कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो। कोई भी प्रॉब्लम होता है हम लोग यहां पे हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि ऑफिस से बोलोगे, जहां से बोलोगे आपको डेटा लाके दूंगा, लेकिन आपका इतना दायित्व बनता है, प्लीज शेयर, डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज कीप स्माइल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। और इसमें जो भी प्रॉब्लम हुआ हो मुझे कमेंट करके बताना, मैं सॉल्व करूंगा। बाय बाय।